हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, दरअसल जब मैं अपने जियो ऐप में जो मैं अपना इंटरनेट यूज़ कर रहा था, मुझे ऐसा कुछ लिखा आ रहा था, इट सिम्स यू आर यूजिंग 4G डिवाइस टू इन्जॉय 5G बेनिफिट्स, ऑल यू नीड टू डू इज रिप्लेस योर फ़ोन, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। ये प्रॉब्लम उनको आ रही है जिनके एरिया में 5G नेटवर्क तो आ चुका है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है जब वो 5G इंटरनेट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ जो आइकन है वो दिखते हैं, ये कुछ फ़ोटो दिखती है, इसका ये मतलब है आपके वहाँ 5G अवेलेबल तो है पर आपका जो डिवाइस है, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, वो 4G को सपोर्ट करता है और वो 5G को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप 5G यूज़ करना चाहते हैं अपने डिवाइस में, तो आपको अपने डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा और किसी ऐसे डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा जो कि 5G सपोर्ट करता हो। तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूज़र्स को आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो 5G है, पर 5G होता नहीं है। आपको एक बार इंटरनेट में चेक करना है कि वो 5G सपोर्ट करता है या नहीं। तो ये तभी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने भी अपना फ़ोन अभी अपडेट किया है। अभी मैंने नया फ़ोन लिया है, अभी मैं चला के देख रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई थी। तो आपको भी इसको ऐसे सॉल्व करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए जिससे आप इजीली 5G नेट यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी इस प्रॉब्लम से, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई जरूर करेंगे। और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।